एलविश यादव की सच में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, या उनकी शादी को लेके भी रूमर्स थे। छः छः सात सात साल के बच्चे ट्रेन में घूम रहे हैं भाई, वो पंपलेट लेके एलिस भाई की सिस्टम लेके लोगों को दिखा रहे हैं। बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है और जल्दी होने वाली है भाई। सिस्टम क्या है ये तो एलिस भाई बताएंगे सिस्टम क्या है। एक टाइम था कि जब वो पैरालाइज हो गए थे, आपको पता भी होगा। हाँ भाई, काफी करीब। हाँ भाई, उनको हो गई थी भाई आधे शरीर में, एक और दिक्कत हो गई थी बहुत ज्यादा। दिल्ली NCR से लेके पिकअप करने जब मुंबई जाएंगे एयरपोर्ट से एलिस भाई को, तो 1001 फॉर्च्यूनर का काफिला निकलेगा। एलविश भाई हमारा जीत के लेके आएगा ना ट्रॉफी, तो ये जो 1000 गाड़ी का काफिला नहीं, दिल्ली NCR से 3,500 गाड़ियां आपको दिखेंगी। सिस्टम ही सिस्टम है। जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका जिसकी कला, जिसका आर्ट और जिसका जो आपका जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट होता है वो आपके दिल में बस जाए, उसको हम कहते हैं कलाकार। और ऐसे ही दो कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथ, और काफ़ी खास हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा खास था। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली फरीदाबाद रॉकर्स, जिनके नाम से आप यूट्यूब पर इनको जानते हैं, और एक मास्टर जी के नाम से भी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा खास मेहमान, और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी हैं, काफ़ी इनकी वीडियोज़ लोग पसंद करते हैं, इनके अलग अलग करेक्टर ही हमेशा दिखते हैं प्ले करते हुए। ये लिरिसिस्ट भी हैं, एंग्री मैन के रोल में भी दिखाई देते हैं, साथ साथ जो इनका पूरा जो पुलिस मैन वाला रोल है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बात कर रहा हूँ अनूप जी की, और उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हमारी प्यार, जितने भी हम प्यार करते हैं सोशल मीडिया में, रानी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी आपने इतनी बड़ाई कर दी, हम तो वैसे ही बहुत खुश हो गए। नहीं नहीं, और हमारे साथ राहुल भाई भी मौजूद हैं, जो कि एलविश भाई के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और काफ़ी टाइम से उनको जानते हैं। तो सबसे पहले मैम और सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपकी, पहले तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये पूरी जर्नी थी, जो आप टीचर से लेके जो आपने अब तक यूट्यूब पर मास्टर जी के नाम से आपको लोग जानते हैं, या आप जितना भी आप इस टाइम आपका जो पूरा इनकम है या आपने लोगों का प्यार कमाया है, वो पूरी जर्नी एक बार आप बताइएगा हमारी ऑडियंस को। भाई हमने अपनी जर्नी 2011 से स्टार्ट की थी, और 2011 में मैं बाइक स्टंट किया करता था, तो यूट्यूब जब इतना एक्टिव था नहीं, तो फिर मैंने वहाँ ड्रॉप करके अपनी जो जॉब चल रही थी स्कूल या कॉलेज में जैसे करता था मैं, उसके बाद 2017 से मैं दोबारा एक्टिव हुआ इस पर, और फिर मैंने कॉलेज की जॉब छोड़ के मैं सीधा आपके बीच में एज ए कलाकार आ गया, जो आपने एक्सेप्ट किया मुझे। जी अनूप सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि जब आप ये कर रहे थे, जो आपको नुक्कड़ नाटक आप सिखाते थे बच्चों को स्कूल में कॉलेज में, तो आपने बोला कि जब मेरे को यूट्यूब से इनकम आने लगी और मेरी वीडियोस जो है वायरल होने लगी, और जब मेरे को अपनी इनकम से डबल तनख्वाह आ गई, तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया और मैं घर आ गया। तो और फिर घर, जब आप घर आए तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? अच्छा, वो वाली पूरी चीज़ बतानी है मुझे। आ गया, हाँ वो वाली पूरी चीज़ बतानी है। क्या था कि मैं जैसे कॉलेज में जॉब करता था, और जहाँ मैं जॉब कर रहा था कॉलेज में, वहाँ नुक्कड़ नाटक होता था, तो मेरी ना ड्यूटी लगा दी, मुझे हेड बना दिया उन बच्चों का, तो मैं उन बच्चों का एक्ट करते हुए देखता था, वो देखते देखते उन बच्चों से मैं सीखा, और कुछ ही दिनों में मैं उनकी कमी भी बताने लग गया, तो उन बच्चों ने कहा कि ना सर आप कुछ इसी लाइन में कुछ करो, एक्टिव कुछ हो जाओ, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल पर दोबारा ये स्टार्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद एक्ट भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने अपना मन बना लिया वहीं कि जितनी मेरी सैलरी है, अगर उससे दोगुना अगर आ गया यहाँ से, तो उस दिन मैं रिजाइन दे दूँगा। और जैसे ही आ गया एक दिन सुबह सुबह मैसेज, तो भाई फिर मैंने अपना रिजाइन दे दिया ये। और फिर जो आके घर वालों का रिएक्ट रहा वो बताएंगी ये। पहले तो पापा को एकदम शॉक लगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, हाँ भाई ये सब क्या, वो तो यही सोच रहे थे कि भाई वीडियो वगैरह ये सब क्या होता है, तू क्या ही कर पाएगा इन सब में, तो उनका कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे। तो बट मैं तो समझती थी, क्योंकि मेरे सामने तो ये मैं देख रही थी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, तो बस फिर इन्होंने मेरा साथ तो मिल ही गया था। फिर धीरे धीरे पापा भी समझ गए थे, तो पापा बोले ठीक है भाई जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो। जी, और मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सर की तो जर्नी हमने जान ली, आपकी जर्नी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि किस तरह से आप इस पूरी फील्ड में आए और आप इतना अच्छा आप ग्रो कर रहे हैं, आपको कमेंट्स में इतना ज़्यादा प्यार मिलता है ऑडियंस से। मेरी देखिए, मेरा डेब्यू होता लॉकडाउन में
जब इनको कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी। सच बात तो यही है। तो फिर मैं तो बिल्कुल कैमरा शाय थी, मैंने साफ मना कर दिया था। मैं पहले भी बोलती थी ज़रा सा भी अगर मेरे सामने इन्होंने कैमरा कर दिया मेरे ऊपर या कुछ भी, तो मैं साफ मना कर देती नहीं, ना मेरा फ़ोटो लेना ना मेरी कोई वीडियोज़ लेनी है। बट जब मजबूरी होगी तो इसने कहा प्लीज़ कर ले, छोटा सा ही रोल है, छोटा सा ही, ऐसे बोल के करवा लिया इन्होंने मेरे से। फिर धीरे धीरे मेरे को भी मज़ा आने लगा। जी बिल्कुल। बस तो मतलब काफ़ी खट्टी मीठी आपकी बहुत। तो सर सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक आपका काफ़ी पर्सनल भी कह सकते हैं कि जब आपको मैम का सपोर्ट मिला जब पहली बार आपकी लाइफ में आई, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे लक्की चाम बन के आई कि इनकी आते ही मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ? तो एक होता ना एक महिला का हाथ रहता है, एक लेडी लक जो काम करता है। देखो मेरा मानना ये है कि जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना दोनों के बीच में, तो सब अच्छा होता रहता है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ ना सदा खुश रहना चाहिए आदमी को, किसी चीज़ में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और मतलब तरक्की भी होती है। तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कभी लड़ाई होती है तो एक डेढ़ घंटे की होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो भाई फिर लक्की बोल सकते हैं हम उसे कि भाई लक्की है, मेरी लाइफ में बहुत लक्की है भाई। तो अनूप सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल अभी जो आपका शेड्यूल है वो क्या चल रहा है, मतलब इस समय एक तो एलविश भाई का सपोर्ट तो वो तो चल ही रहा है जोरों शोरों से, और इस आज पूरा दिन किस तरह से शेड्यूल करते हैं? पावर पैक्ड रहता है पूरा शेड्यूल, टाइट रहता है? अभी भी बड़ी मुश्किल से हमने आपको ढूंढा। अरे नहीं भाई, आज ही रहे भाई, हम आपके लिए तो हैं भाई। जी तो किस तरह से कैसा सपोर्ट चल रहा है, क्या पूरा तैयारी आपकी जिताने के लिए भाई को? जिताने की तैयारी तो आप सब की है, हम तो बस थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, और बाकी ये देख रहे हैं बिग बॉस लाइव देखते हैं, और बाकी सब एकदम ठीक चल रहा है। मतलब जो देखते हैं उस पर थोड़ा कभी गुस्सा आता है, कभी अच्छा लगता है। एलिस भाई के अंदर किसी से झगड़ा होता है तो थोड़ा सा एकदम ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया, और भाई खुश रहते हैं तो ठीक है। कई बार फैमिली को और यार दोस्तों को याद करते हैं तो भाई हमारी आँख भी थोड़ी सी नम सी हो जाती हैं, क्योंकि जिस इंसान के साथ भाई हम 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर भाई उसकी आँख नम हो जाए अंदर, तो भाई फिर मतलब दिल से मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या ही है। हाँ जी, आपने दोस्ती की बात की अनूप जी, तो मैं दोस्ती पे दो लाइनें कहना चाहूँगा, आज फ्रेंडशिप डे है तो उसके मौके पे, कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और अगर ज़िंदगी में साथ हो अनूप जी जैसे दोस्तों का तो ज़िंदगी भी किसी इश्क से कम नहीं होती। और इसी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो अनूप जी मैं कहना चाहूँगा, फ़र्स्ट इंटरेक्शन जो आपका एलविश के साथ था, मैम आप भी बता सकते हैं कि आपका फ़र्स्ट इंटरेक्शन जो था वो कैसा, पहली मुलाकात एलविश के साथ? पहली मुलाकात मेरी एलिस भाई के साथ जो हुई है वो ये सूट पे हुई है। सूट पे मैं गया था तो रीटेक ज़्यादा किए मैंने, और एलिस भाई से पहली मुलाकात वही थी उनके सूट पे, कि मैंने 4-5 कई रीटेक कर दिए, वो ये देख रहे थे करो भाई। और फिर हाँ मतलब हो गया, फिर उसके बाद एक दूसरे को अच्छे से समझने लग गए, क्योंकि एलिस भाई की स्क्रिप्ट मैं ही करता हूँ वीडियो की, पहले मतलब एज ए एक्टर गया था, फिर भाई वो स्क्रिप्ट राइटर बन गया, फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई भाई, अब तो मतलब एक परिवार ही है भाई। जी और मैम आपका एलविश से जो आप पहली बार मिली, किस तरह के इंसान थे, कैसा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? एलविश सबको पता है बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो जैसे स्क्रिप्ट वगैरह के लिए जैसे घर पे आते थे तो तभी मैं उनसे मिली थी, और बस भिंडी की रिक्वायरमेंट तो होती है, ये मुझे पहले बता देते कि एलविश आ रहे हैं, तो मतलब एकदम मैंने कहा तो ले आओ फिर भिंडी ले आओ। फिर उसी टाइम, और उनको पसंद भी बहुत आती थी हमारे यहाँ। हाँ बोला कि भिंडी मेरी फेवरेट। हाँ भिंडी फेवरेट बोलते थे, कि पैक भी कर देना मेरे लिए। तो जी तो बिल्कुल अनूप सर मैं पूछना चाहूँगा, जब एलविश ने ये मन में आया ख्याल कि कटारिया भाई ने बताया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको जाना है, पहले भी उनको कॉल्स आ रहे थे लेकिन उन्होंने उस टाइम मन नहीं था, उन्होंने डाल दिया था कि अभी नहीं, तो आपको पता था पहले से ही कि एलविश वाइल्ड कार्ड एंट्री जाने वाले हैं, और आपने किस तरह का आपका रिस्पांस था जब उन्होंने आपको बताया? तो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था, भाई का मतलब फ़ोन आया था कि सरप्राइज़ एक तगड़ा सा, मैं कहा अच्छा क्या, नुका भी ना बताऊं कल बताऊंगा, मैं कहा अच्छा, मैं कहा भाई, फिर मैंने रात को फिर फ़ोन करा, मैं कहा यार बताओ ना, नींद सी ना आ रही, वो कह रहे ना जागता रहे पर कल बताऊंगा। फिर उनका फ़ोन आया था कि आ जाओ भाई गुड़गांव, फिर मिलके फिर उन्होंने बताया सबके बाद के बीच में कि भाई सिस्टम हैंग हो गया एकदम, कि बिग बॉस में अब एंट्री है, मगर चलो भाई। फिर जाके शॉपिंग वोपिंग करके भाई को हवाई जहाज़ में बिठा के बोल दिया, मगर झंडे गाड़ दो भाई जाके। और अनु भाई वो टेस्ट वेस्ट का कुछ बता रहे थे कि पहले शो के पहले मेडिकल भी कुछ हो रहा था।
हाँ भाई उनका मेडिकल हुआ था, वो तो होता ही है भाई, उनकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो मेडिकल हुआ था। उन्हें पहले ही बोल दिया कि भाई कुछ 12-13 घंटे पहले तक कुछ खाना ना। और उस टाइम तो वे हमारे साथ ही थे वहाँ पे गुड़गांव में, कह रहे थे यार भाई थोड़ा सा खा लूँ। अरे मगर ना भाई, टेस्ट की दिक्कत है कि थोड़ा सा खा लूँ। वहाँ तो भाई खाने ना दिया, पर रास्ते में कुछ ना कुछ कर दिया भाई उनने, क्योंकि हाँ फिर सुबह से शुगर नॉर्मल आई। हाँ भाई मतलब हो गया था उनका ठीक ठाक, देसी वाले काम। हाँ देसी वाले, क्योंकि भूखे थोड़ी रह सकते हैं भाई हम हरियाणा वाले, बिल्कुल चलता रहना चाहिए भाई सिस्टम। तो जी बिल्कुल, सिस्टम की बात आपने की, तो अनूप सर ये मैं पूछना चाहूँगा, सिस्टम ये है क्या, इसका वर्ड का निर्माण कहाँ हुआ, सिस्टम है क्या, एक थोड़ा सा इलेबोरेट करिए कि सिस्टम है क्या ये भाई। सिस्टम क्या है ये तो अलीस भाई बताएंगे सिस्टम क्या है, लेकिन अगर मैं अपनी मतलब पर्सनल वो बताऊं, थिंक बताऊं कि भाई मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से सिस्टम भाई ये है कि हम मस्त खा पी रहे हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, और भगवान हमें इस लायक बना रहा है कि भाई हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सबको, तो भाई यही सिस्टम है। हाँ भाई मैम, अगर बात की जाए एल्विश की, तो एल्विश भाई की आलिया भट्ट से लेके सलमान खान से लेके महेश भट्ट से लेके पूरा उन्होंने बॉलीवुड में सिस्टम कर दिया है। और आपको क्या लगता है कि आप खुद भी फॉलो करते हैं बिग बॉस को काफी ज्यादा, तो आपको लगता है कि जल्दी एल्विश की बॉलीवुड में एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि एक्टिंग भी करते हैं, अच्छा गा भी लेते हैं, देखने में भी हैंडसम है, तो लगता है कुछ कि बॉलीवुड में चाहेगा एल्विश का? मेरे को लगता है, बिल्कुल लगता है कि बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है, और जल्दी होने वाली है जी। क्योंकि और भाई हाँ। अंदर की बात बता देता हूँ, अभी जैसे एलिस भाई तो है ही अंदर, अंदर की बात बता, मैसेज आने भी लग गए भाई वहाँ पे। क्या बात है, एक्सक्लूसिव ये बता रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन भाई हम अभी वो ना बता ना सकते, ठीक है वो आके भाई देखेंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे झलक से लग जाती है भाई। और इंडिया के बाहर से भी सर फैन पसंद कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी है? हाँ भाई बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब इसलिए पसंद कर रहे हैं कि भाई उनका वो रियल है, वो अंदर रियल, वो जैसा उनका नेचर है भाई वही है, वो मतलब बदले ना, इसी को ही बोलते हैं सिस्टम। हाँ, इसी को बोलते हैं सिस्टम, जो इतने लोग पसंद कर रहे हैं ना सब जी। और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब जब डांटा था सलमान भाई ने एल्विश को, तो थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि एल्विश भाई ने एक चीज़ दिखाई है कि उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया, प्यार भी दिखाया, और अंडरस्टैंडिंग वाला तीनों पार्ट्स उन्होंने एक प्रोसेस दिखाया घर के अंदर, तो कोई भी छवि छुपी नहीं एल्विश भाई की। तो जब उनको डांटा, तो उस दौरान जब 4-5 मिलियन फॉलोअर भी गिर गए सलमान भाई के, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फॉलोअर्स अगर उठा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं भाई? ये तो है, कोई किसी से मतलब ज़्यादा प्यार करता है ना, तो उसके खिलाफ ना सुन ना सकता, मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही, मतलब हम ना सुन सकते, तो वो है एलिस भाई के फॉलोवर ना भाई, ये पूरी फैमिली है, जितनी ये है ना ये पूरी फैमिली है। मैं फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अब जैसे एलिस भाई अंदर है, बाहर कोई प्यार टीम नहीं है, मतलब लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। मैंने अभी रील देखी थी अलीगढ़ तक भाई, मतलब उन्हें देख के ना सच बता रहा हूँ मेरी आँखें बिल्कुल नम हो गई थी। 6-7 साल के बच्चे ट्रेन में घूम रहे हैं भाई, वो पंपलेट लेके एलिस भाई के सिस्टम लेके लोगों को दिखा रहे हैं। वो रील आज ही भाई मेरे पास आई है, मैंने मतलब वो शेयर भी करी है अभी। तो भाई अब क्या बोलेंगे भाई, पीआर टीम कहाँ मायने रखेगी, ये तो भाई पूरी फैमिली है ना। अगर 6-7 साल का बच्चा भी अपने मन से सिस्टम करते घूम रहा ना, ट्रेन बस अड्डे हर जगह, तो भाई ये फैन थोड़ी, ये तो फैमिली है ना, क्योंकि इतना कुछ तो अपनी फैमिली के लिए कर सकता है कोई भाई, तो ये तो है भाई। वही तो, और जैसे कि हमने पहले भी ये देखा था कि बच्चे से लेके सयाने तक बूढ़ों तक हर कोई एल्विश को प्यार करते हैं, क्योंकि जिस तरह का वो इंसान है, जिस तरह का उनका घर के अंदर रवैया, वैसे ही वो बाहर है, उनके अंदर कोई एक फिल्टर नहीं है कि वो अलग एक परत होगी, घर के अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। तो अनूप सर आपने डेब्यू तो आपने बताया कि आप, मैम ने बताया कि आपके साथ डेब्यू किया, लेकिन आपने डेब्यू करवाया भी है बड़े लोगों का, कटारिया भाई का आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया, तो उसको वो कैसे? मैं भाई एलिस यादव टीम में ना मतलब सबसे बड़ा, वैसे मैं हूँ बड़ा, मतलब सीनियर। हाँ एज में भाई मैं क्लियर बता देता हूँ, एज में तो नहीं लगते वैसे ना, मतलब हाँ भाई एज में हूँ मैं, तो क्या है कि भाई सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो कई बार जैसे मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, तो कटारिया की बताता हूँ, जैसे कटारिया भाई के लिए एक गाना आया था, वो मेरे पास उन्होंने मैसेज किया कि भाई ये कटारिया भाई कर लेंगे क्या, मैं कहा भाई हम वीडियो बनाते हैं, कहीं गाने वाने में कहीं जाएंगे, तो वो कहता भाई यार देख लो, उन्होंने मेरे पास वो गाना भेज दिया, और भाई वो सुना मुझे ना बहुत अच्छा लगा, और जैसे मैं उसे सुन रहा था तो उस गाने में कटारिया को इमेजिन कर रहा था, तो भाई मेरे दिमाग में तो बन गई, मैं तो एज ए डायरेक्टर दिमाग में भाई वो गाना पूरा सेट हो गया मेरे। मैंने कटारिया को फ़ोन करा, मैं कहा भाई गाना कर, नू का भैया यार कहाँ ही कर पाऊँगा मैं,
मगर अच्छा मगर कहाँ तू गुड़गांव वहीं पहुँच गया मैं गाना लेके मगर भाई तू करेगा इसे और मगर तू डायरेक्ट बात कर पर करेगा तू भाई वो पहला कराया था फिर तो कहते हैं ना कोई ईमानदारी से काम करे तो भगवान भी हाथ पकड़ता है तो भाई अब बढ़िया कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है वो तो हमें दिख भी रहा है कितने बेहतर अभी हाल फिलहाल में मनी जो है वो गाना है वो भी काफी लोग हाँ भाई सारे गाने अच्छे कर रहे हैं भाई वो मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि अभिषेक जो है फुकरा उनकी मम्मी भी अंदर आई थी उसके पापा भी जो है पिताजी अंदर आए थे तो अभी उन्होंने एल्विश की जो फुकरा इंसान की जो मम्मी थी वो कह रही थी कि एल्विश आपको बाहर से कोई फीमेल सपोर्ट मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे ना बाहर है कोई तो एल्विश यादव की सच में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं या उनकी शादी को लेके भी रूमर्स थे कि नवंबर में शादी है भाई की तो आप क्लियर कर दो ऑडियंस को कि क्या वो पूरा सिस्टम क्या है नहीं देखो वो तो एल्विश ही बताएंगे अगर उन्होंने अब तक नहीं बताया तो फिर देखो मैं कौन होती हूँ बताने वाली नहीं नहीं अगर उन्होंने नहीं बताया तो इस साल शादी है ये तो वो तो देखो अगर समझ जाओ हाँ बाकी वो एल्विश तो कुछ भी कर सकते हैं हाँ भाई वो दिल का हाँ। आदमी है भाई जैसा उसे ठीक और वो उनकी मम्मी जी बता सकती है देखो हाँ। वो तो देखो उनके मम्मी तो रिश्ते ढूंढ रही हैं हाँ वो हाँ। तो काफी फोर्स भी कर रही है अरे कर ले वो अरे नहीं मम्मी अभी दो साल ये बोल रहे हैं वो देखो अब आने के बाद पता चलेगा जी तो सर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जितना अब जैसे एल्विश भाई का ये था कि एक आपको उन्होंने घर के अंदर भी बात बोली थी रात को थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई तो उन्होंने बताया कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ एक टाइम था कि जब वो पैरालाइज हो गए थे आपको पता भी होगा हाँ भाई काफी करीब हाँ भाई तो मैंने भी वो पूरा वीडियो देखी थी उनकी आज से 9-10 महीने पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरह वो बोल रहे थे कि मेरे को जाना है और मेरे को अपनी मदर का हाथ चाहिए तो वो मैं बड़ा इमोशनल हो गया था वो सुन के तो वो एक बार आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि वो क्या पूरा सीन हुआ था और किस तरह का वो लम्हा था और किस तरह आपने सपोर्ट किया उनको भाई वो तो बहुत पहले की बात है एलिश भाई थे जब तो मैं नहीं जुड़ा था लेकिन मैंने मतलब उनके मुँह तक जैसे कई बार बैठ के बात करते हैं उनको होगी थी भाई आधे शरीर में एक बार दिक्कत होगी थी बहुत ज़्यादा लेकिन उनके पापा ने मम्मी ने भाई बहुत उस टाइम अपने बच्चे की तो हर कोई फेवर करता है लेकिन भाई उन्होंने बहुत ख्याल रखा और कहते हैं ना भाई लेकिन वो भाई टाइम के हिसाब से भाई ठीक हो गए और आज हमारे बीच में बहुत बेस्ट कर रहे हैं भाई यार बहुत मौत के मुँह तक ही आए थे भाई वो और एक बता रहे थे कि एक टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं भी आम के घर से लटका था और मैं फोन लेके मैं भी निकल गया था वीडियो बनाता था स्कूटी पार्क करते थे अपनी वो सब तो वो अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर एल्विश भाई कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है तो वही मिसाल भी है कहीं ना कहीं क्योंकि भाई उनके अंदर ना ये चीज ना कि कल एक होती है ना जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं हम कह देते हैं चल कल कर लेंगे भाई नहीं उस इंसान के अंदर ये चीज तो है ना उसे ये है कि अगर ये काम है तो भाई आज करना है तो कोशिश करते हैं कि अभी तो स्टार्ट कर देते हैं भाई वो कल के ऊपर कभी ना छोड़ते और जो इंसान कल के ऊपर कभी ना छोड़ता ना उसका भाई आज बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है भाई और भाई आज हमारे बीच में सिस्टम कर रखा है भाई फिर उन्होंने सिस्टम ही सिस्टम है भाई जी अभी फिर से आपने देखा होगा अविनाश ने पोक किया एल्विश भाई को और फिर से फुकरा भाई को भी अंदर तो वो आपको पहले वो फिर से दोस्ती कर ली थी अविनाश ने तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप इसको रिव्यू भी करते हैं बिग बॉस के एपिसोड्स को तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं दिख दोबारा क्योंकि फिनाले नज़दीक आ रहा है 14 तारीख को फिनाले है तो अविनाश का स्ट्रेटजी तो नहीं है कि दोबारा दिखने के लिए वो अपने आप को एल्विश से लड़ाई करे और टीआरपी में एटलीस्ट उनको टॉप 5 में जगह मिल जाएगी मतलब सारा कुछ तो यही है क्योंकि उन पे ना जो अविनाश है उनके चेहरे से दिखता है वो चीज़ कि वो ज़बरदस्ती की चीज़ें करना चाह रहे हैं मतलब कोई पॉइंट होता है उस पे तो बोल ना पाते तो वो बाद में थोड़ा सा दिमाग लगा के आते हैं कि यार अब बोलूँ और ऐसे बोलूँ हाँ। तो वो फिर उनके दिमाग से करा हुआ काम है सारा खुद भी एक्सेप्ट किया था वो राशन वाला कुछ अभी हुआ था हाँ कि मैंने ये सब जानबूझ के किया था तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उन्होंने बोला तू माफी मांग ले क्योंकि तेरी वजह से हमारा ब्रेड नहीं आ रहा अंडे नहीं आ रहे बटर नहीं आ रहे वरना वो फिर अड़ के कह रहे मैं माफी भी नहीं मांगूंगा तो वो फिर उन्होंने एल्विश भाई ने बोला कि कोई बात नहीं तू ये बात बाहर बोल नहीं बोलता बस लड़की हो के आगे शेर बनता हां भाई ये बोल देने के बाहर आज ही बाहर मिलेंगे और सर पहले राहुल भाई बड़े टाइम से बैठे हैं राहुल भाई आपसे मेरा एक क्वेश्चन है आप उनके काफी अच्छे दोस्त भी हैं तो उन्होंने एक बात बोली है और अनु भाई और कटारिया भाई ने आप सबने मिलके एक अपील भी की है कि दिल्ली NCR से लेके पिकअप करने जब मुंबई जाएंगे एयरपोर्ट से एल्विश भाई को तो 1001 फॉर्च्यूनर का काफिला निकलेगा और वो उनको वापस लेके आएंगे तो ये किस तरह मतलब मैं आज तक कभी इतिहास में ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं है तो किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं और कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ये मेरे को तो मतलब कि जयपुर के मीटअप के बाद तो मुझे लगता है पॉसिबल तो है
बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं है। सिस्टम आप देखो, पूरा का पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। बिग बॉस में भी अभी जितने भी न्यू रिकॉर्ड बने सारे बिग बॉस में ही बने हैं, टीआरपी को लेके। आप ट्विटर देखो, हर चीज़ देखो, तो अब तो रिकॉर्ड तो बनना चालू हुए हैं। और जब हम वापस एलविश भाई हमारा जीत के लेके आएगा ना ट्रॉफी, तो ये जो 1000 गाड़ी का काफिला नहीं, ये दिल्ली एनसीआर से 3,500 गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। तो ये तो सिस्टम है भाई, बोलते हैं ना भाई, सिस्टम है भाई। लेकिन हम ना इसमें ये करेंगे, जैसे गाड़ी भाई कितनी जाए या कुछ भी जाए, जो भी प्रोग्राम होगा वो पहले बता देंगे, लेकिन भाई सारी चीज़ कानून को देखते हुए करेंगे, उसका उल्लंघन ना करेंगे। हम कोई काम ऐसा ना करेंगे कि हमारी वजह तो कुछ ऐसा हो जाए कि लोग परेशान हो। तो भाई जैसे जैसे हमें परमिशन मिलती रहेगी उस चीज़ की, उस हिसाब से सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा भाई। हाँ मतलब कानून के हिसाब से भाई, मतलब कुछ वैसे और दंगबाजी ना, हाँ उल्लंघन नहीं होगा भाई कानून का जी। सर मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक छोटा सा रैपिड फायर फिर खत्म करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना। तो एक क्वेश्चन था अभी, आपने देखा होगा कि एल्विश जी के फादर गए थे अंदर, तो पूजा भट्ट से बड़ी मस्ती मस्ती करते नजर आए थे, क्योंकि उनकी एज की एक्ट्रेस है। उन्होंने बताया कि उनकी एक मूवी थी जो मैं घर से भाग के मैं मूवी देखने गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एल्विश बाहर आ जाए, मैं रह जाऊँ। तो उन्होंने बोला पापा यार ऐसे मत करो यार, अगर मैं बताऊं, मैं तो उनके फादर से मिल लिया, मैं कई बार मिलता हूं, आज मिल के आया हूं। वो ना मतलब हसमुख है वो थोड़े, कि जैसे पॉइंट मारते हैं, जैसे कई बार हमारे ऊपर भी पॉइंट मारते हैं, तो वो उनकी थोड़ा सा ऐसा नेचर है हसमुख सा। और जैसे अपने बेटे को देखा वहाँ तो थोड़ी ज्यादा खुशी होगी, तो खुशी खुशी में 2-4 पॉइंट मार दिए भाई, सब पे ही मारे वैसे तो, पर मार दिए। बेटे को भी बोल दिया, उन्होंने बोला कि कैसे चल रहा है बाहर, गाड़ी मॉडिफाई हो गई, उन्होंने बोला तू काम कर अपना। हाँ। सब हो रहा है बाहर, टेंशन मतलब तेरे बापू है। अब सबसे बड़ी बात भाई, अगर एक एक बेटे को उनके पिता का आशीर्वाद ऐसे मिल जाए, आपने ध्यान दिया होगा जब बिग बॉस में एंटर हुए थे गुरुजी मास्टर जी एल्विस के पिताजी, तो ये हाथ था भाई उनका, मैंने नोटिस किया। इसका मतलब भाई ये है कि एक पिता ने हाँ अपने बेटे को दुआ दे दी कि सिस्टम हैंग है एकदम, कोई दिक्कत ना हो गया काम भाई जी। तो जीत तो जब ही होगी थी जी। और मैम आप वो वाली बात जो भाग के गए थे पूजा भट्ट जी की, हाँ। मैं सोच रहा था ये बात भाई भूल जाएं, पर घूम फिर के मिला नहीं। मेरे को तो बहुत मजे आते हैं वो सब देखने में, कई बार वो रील्स भी आ जाते हैं स्क्रॉल करने में, तो बड़े मजे आते हैं वो सब देखने में। और मतलब वो सब मस्ती थी, मजाक, एक उनके सामने उनके टाइम की हीरोइन है। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं सर, आपको आप मतलब दोनों को क्वेश्चन होगा। हाँ भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अभी बॉस तो आप दोनों देखते हैं सर, आप थोड़ा कम देख पाते हैं आपने बताया, मतलब थोड़ा ज्यादा कम ना, थोड़ा कम मतलब कभी कभी एक डेढ़, हाँ लाइव का बता रहा हूँ, 1-1.5 घंटे का मिस हो जाता है वो, हम कमी पूरी कर देते हैं। हम बताते हैं, ओ अभी ये वो आपने नहीं देखा ही हो, क्योंकि इनका फोन पे ज्यादा काम रहता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्या पूजा भट्ट के पास घर के अंदर फोन है? शक तो है मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं है भाई उसमें, बिग बॉस में ना मुश्किल है। आप में से जब भी आपकी आपस में लड़ाई या झगड़ा होता है तो सबसे पहले कौन मनाता है? हाँ ये सच है। ठीक है, तो एल्विश भाई की दोस्ती में सबसे इमोशनल और सबसे ज्यादा एक हैप्पी मोमेंट आपके लिए? सबसे ज्यादा इमोशनल, हाँ ब्रेकडाउन, या तो वो भी बोल सकते हो जब वो जा रहे थे। हाँ। लास्ट वाला वो टाइम भाई वही है जब वो अपनी मम्मी से मिले थे, तो भाई वो सबसे ज्यादा वैसा सीन था कि एकदम लग रहा था कि मम्मी से मिले थे। हाँ अपनी मम्मी तो मिलके जा रहे थे, जब जा रहे थे तब की बता रहा हूँ, जब मम्मी तो मिलके जा रहे थे लास्ट टाइम, तो सबसे ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि भाई लग रहा मतलब वो दिखने में बहुत सीन वैसा था भाई, इमोशनल था। और सबसे ज्यादा हैप्पी, खुशी का सबसे एक्साइटेड वाला है सब भाई, वो तो रह भी हैप्पी है मतलब हर टाइम का भाई उनका, मतलब वो खुशी रहे हैं, वो तो हर टाइम रहे जी। आप मैम की बताना, मैम आपकी बताएंगी, ऐसी क्वालिटी जो आपको पता है लेकिन ऑडियंस को नहीं पता, आज आप उनको बताना, शेयर करना भाई, घर में लड़ाई कराओगे। क्वालिटी में तो क्वालिटी कह रहा हूं। देखना भाई, मुझे पता आगे जाके क्वेश्चन ही बदलने वाला, मैं आगे तक सोच गया ना भाई, पूछो ना कुछ भी पूछो भाई, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैम की ऐसी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो, आपके मतलब ऐसे कि हाँ मैम के अंदर ये भी है। अच्छा भाई, इनके अंदर ये, कभी मुझे गुस्सा आता है ना, गुस्से में मैं गलत डिसीजन लेता हूँ, तो भाई उस टाइम ये मतलब समझाती है, मतलब कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ ना, तो उस टाइम वो ना ये भी हाई पर होगी, उस टाइम चुप रहती है, और वो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हमारे बीच में लड़ाई ना होती, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग। और मैम आप बताओ,
नहीं, ये एक्चुअली बहुत अपनी फैमिली को सिक्योर करके चलते हैं। वैसे तो हर कोई चलता है, लेकिन ये हर मोमेंट वो सोच लेते हैं आगे कि हम कोई भी जैसे काम करते हैं तो वो आगे तक की सोच लेते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करके चलते हैं अपनी फैमिली को, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। सर, आजकल नहीं बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो कपल हैं खासकर, वो अपने गाना निकाल रहे हैं। तो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? पता नहीं भाई, डायरेक्टर तो बन ही गए अब तो आप अपना। अब भाई जैसे मैंने हो गया तो भाई कर देंगे कोई, लेकिन भाई हम कैसा करेंगे, कर देंगे यार भाई, हम कर देंगे, है ना, कर देंगे ना, कर देंगे भाई हम। ठीक है सर, अभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट का कुछ नाम लूंगा तो आप दोनों को इनके लिए एक एक लाइनर बोलना है, बस वन लाइनर। अच्छा भाई, ठीक। तो सबसे पहले अविनाश। फेक है भाई पूरा। बेवकूफ। हाँ भाई बेवकूफ। जिया। जिया। लोमड़ी, चालाक, बहुत तेज, बहुत मतलब अपना काम निकालने के लिए कुछ भी भाई। पलटू। पलटू। फुकरा भाई। बोलो। फुकरा भाई ठीक है भाई, मतलब ठीक है। हाँ भाई, चारा। शार्प भाई। मनीषा रानी। वो है मस्त, उन्होंने नाम भी दिया ना उनको, एलविश भाई को नाम। हाँ, मन चले जी, मन चले जी, लेकिन खुद मन चली है भाई वो। हाँ हाँ, खुद मन चली है भाई वो। पूजा भट्ट। दादी, दादी माँ कहानी सुनाने वाली। हाँ भाई यार, नहीं मेरे को तो सासू माँ लगती है, जैसे वो उस घर की पूरी। अच्छा, वो सासू माँ होगी वो। हाँ वो मतलब ऑर्डर चलाती रहती है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना जी। बेबी का। बेबी का उनके बारे में तो सोचना ही पड़ता है भाई। बेबी का ना मेरे हिसाब से बेबी का ज़्यादा बेवकूफ है ना, उससे भी ज़्यादा बेवकूफ है भाई। हाँ, अभी नाश्ते ज़्यादा बेवकूफ़ है, पता नहीं उसका तो कुछ समझ ही नहीं आता उसको ना, मतलब शायद कोई दोरे वोरे से पढ़ते हैं उसको, जब दोरे वोरे से कि मुझे अब लड़ना है, उसको कोई ना कोई ऐसा एहसास हो जाता है कि मैं कम दिख रही हूँ, तो भाई फिर वो लड़ना शुरू कर देती है और कुछ ना, किसी तभी जिसके साथ बैठेगी उसी तरह झगड़ा लूँ। हाँ इसका ये ठीक है, बेबी का झगड़ा लूँ ठीक है। और ये एक ये ऐसे इंसान है, मुझे तो लगता है ये शायद खाने और जिम करने और ये सब करने ही आए हैं, जाद के बारे में। वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते वो तो, ऐसा लग रहा है। बस ये है कि अगर आ गया बिग बॉस में तो कोई इसलिए कुछ ज़्यादा भी ना कह रहा भाई, कहीं बाहर तार रखा है तो अपना भाई चल ठीक है। तो अनूप सर, मैम ये अभी बाहर चली गई है, लेकिन आशिका। आशिका आशिका तो भाई वो तो अपनी टीम में आ गई थी ना, है ना, तो उसके लिए तो हाँ तो ठीक है यार वो। नाइस, स्वीट स्वीट। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार तो भाई सिस्टम हो गया। हाँ भाई पुनीत सुपरस्टार, ये सिस्टम। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद एलविश भाई। एलविश भाई, एलविश भाई के लिए तो बढ़िया सी लाइन है कोई तगड़ी सी, एलविश भाई के लिए तो यही है, सिस्टम हैंग कर देंगे। हाँ भाई विनर बिग बॉस OTT2। देख लो अब मैम ने बोला विनर भाई, ऑलरेडी विनर है। अब मैं लास्ट में आप तीनों से अपील करता हूँ सर, आप तो एक मीटअप के बारे में बता दीजिएगा जो 9 तारीख को होने वाला है, और फिर लास्ट में एज फ्रेंडशिप डे भी है तो उसके मौके पे भी, और 14 तारीख को रात को 9 बजे ग्रैंड फिनाले है, उसके लिए फैंस को रिक्वेस्ट अभी आप हमारे माध्यम से कर दीजिए लास्ट। हाँ, एक एक चीज़ पूछो, आपने कई बता दी, मेरे दिमाग तो स्लिप हो गई भाई। पहला आपको मीटअप के बारे में। हाँ पहले मीटअप बताओ। चलो भाई मैं मीटअप का बता रहा हूँ, 9 तारीख को दिल्ली में है, पूरी जो भी डिटेल है भाई वो आपको एलिस भाई की आईडी पे या हमारी आईडी पे, पूरी टीम की आईडी पे आपको हर जगह मिल जाएगी भाई, आपकी खुद की आईडी पे मिल जाएंगी। हाँ इतना प्यार भाई, वो सारी डिटेल मिल जाएगी, मतलब सिस्टम हैंग कर देना भाई वहाँ का, 9 तारीख को जबरदस्त कर देंगे भाई एकदम जी। और अब आप बोल दो कि जो 14 तारीख को रात को 9 बजे ग्रैंड प्रीमियर है, फिनाले है, उसमें एलिस भाई के लिए क्या क्या आप सपोर्ट, जो सिस्टम है आपका क्या है, अपील कर दीजिए भाई। सबसे पहले मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ यार, मुझे ना बहुत आस है यार, और मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ, भगवान सिस्टम करवा दे भाई हमारा। हाँ और जो देख रहे हैं भाई, जो हमारी YouTube फैमिली है भाई, तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें कहने की ज़रूरत ना, जितनी हमारी उम्मीद तक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा करते रहो, 5 मिलियन रीट्वीट कर रहे हैं भाई यार, लव यू भाई तुम्हें, बहुत हिस्ट्री क्रिएट करनी है, वाइल्ड कार्ड विनर बनना चाहिए अब की बार। बहुत बढ़िया।
अब की बार हिस्ट्री क्रिएट करनी है, वाइल्ड कार्ड विनर। और राहुल भाई आप भी बोल दो, 10 मिलियन ट्वीट, 10 लाख ट्वीट एक दिन में, सोच सकते हो ये कट्टर फैन फॉलोइंग है अल्विश भाई की। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। और मतलब सिस्टम ही सिस्टम करना है, जीत के आएगा भाई और उसके बाद फिर जशन ही जशन है। बस आप लोग जशन की तैयारी करो, एल्विश आर्मी तैयार है। आप लेके आ रहे हो भाई को, आप जशन बिल्कुल भाई, बिल्कुल एल्विश आर्मी, सलमान भाई एल्विश आर्मी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। मीटअप के लिए भाई सब जैसे अनुप भाई ने बताया कि सारी डिटेल आपको मिलेंगी, ठीक है, तो सब भाई फॉलो करते रहे भाई को, अनुप भाई को, कटारिया भाई को, एल्विश भाई को, और उसके बाद फिर मतलब सारी डिटेल वहीं पर मिलेंगी।